हेलो गाइस, तो आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी कि जिस काम के लिए हम इधर आए थे तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। हम आए थे मम्मी पापा का यूएस का विजिटर वीज़ा लेने के लिए, तो वो काम कंप्लीट हो गया है। आई एम सो हैप्पी फॉर देम। तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि 4:45 बजे हमारी फ्लाइट है। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से, हम भी होटल में आए हैं, 1 आवर रेस्ट करेंगे और फिर निकल जाएंगे। एम्बेसी में इंटरव्यू था उन दोनों का, तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। बहुत कम देर लगी, उनका नंबर जल्दी आ गया था। और जब पापा बाहर आए तो मैंने सोचा क्या हुआ होगा पता नहीं, लेकिन उन्हें आके बोला कि वीज़ा मिल गया है, पासपोर्ट उन्होंने ले लिया है। तो बढ़िया, उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन दिल से। और वहाँ से ही मेरे भाई विशाल को भी फ़ोन कर दिया कि मम्मी पापा का वीज़ा लग गया है। पापा ने फ़ोन कर दिया था, मैसेज कर दिया था, और फिर उसका कॉल आया था वीडियो कॉलिंग, तो वो भी हैप्पी था और अच्छी बात हुई। और बस मैंने वेद को भी कॉल कर दिया था कि नाना नानी को भी वीज़ा मिल गया है, तो वो भी हैप्पी हो गया था। तो बस अभी थोड़ी देर के बाद हम जाएंगे एयरपोर्ट, फिर आज पहुंच जाएंगे अहमदाबाद। जिस काम के लिए हम न्यू दिल्ली आए थे वो काम हो गया है। मम्मी पापा को विजिटिंग वीज़ा मिल गया है यूएसए का। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट। મસ્ત લાગે છે, સારું થઈ ગયું, ભગવાને સારું કર્યું. વિશાલ કહે હનુમાન દાદા કૃપા કરી અમારા ઉપર. હનુમાન દાદા જય હનુમાન દાદા કષ્ટ ભંજન દે હનુમાન દાદા કષ્ટ ભંજન દે હનુમાન દાદા તું અમેરિકા જઈશ ને ત્યારે પછી શું જીન્સ પહેરવું પડશે. તા પપ્પા કે શું જીન્સ પહેરવું, ટી શર્ટ ને ટ્રેક પેન્ટ પહેરવું પડશે તારે. એવું કશું નહીં, જેસે પહેર તારે પહેર, એવું કશું નહીં.
फाइनली हम अहमदाबाद पहुंच गए थे। मम्मी पापा के साथ किए हुए दिल्ली के जाने मुझे लाइफ टाइम याद रहेगी। हमने बहुत ही एंजॉय किया और सबसे बड़ी बात है कि जिस काम के लिए हम गए थे वो कंप्लीट हो गया, तो फाइनली एंडिंग हैप्पी हो गई। तो बस आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और दिल्ली के जो मैंने वीडियो बनाए वो आपको कैसे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।